काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को चाहे वो बेसिक के हों चाहे वो एडवांस के हों काफ़ी प्रॉब्लम आती है, काफ़ी दिक्कत आती है। जैसे कि वर्ब फॉर्म्स की बात करें तो सासेते तदाकु सासेते मोराउ या शिते तदाकु शिते मोराउ, इन सब चीज़ों को हम सीख तो लेते हैं इंग्लिश के तौर पे, कुछ कुछ सेंटेंस के एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं, लेकिन जब ये दोकाई में या फिर चोकाई में आता है तो हम सब्जेक्ट की गलती कर देते हैं। हमें ये तो पता होता है कि इसका मतलब होता है कि ये वर्ब हुई है और फेवर हुआ है, लेकिन वो फेवर मेरे ऊपर हुआ है या फिर उस व्यक्ति ने वो वर्ब करी है और फेवर मेरे ऊपर हुआ है, या फिर मैंने वो वर्ब करी है और फेवर भी मेरे ऊपर है एक तरह से कि भाई आपने मुझे अलाउ किया है इसको करने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए ते और सासेते फॉर्म्स का यूज़ होता है और मोराउ और इतादाकू फॉर्म्स का यूज़ होता है। आज हम इसको सीखेंगे, इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, क्योंकि चाहे N5, N4, N3 करने के बाद भी जब मैं N2 के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो भी उनको ये फॉर्म नहीं आ पाती है, तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए इन सेंटेंसेस को और इन एग्जाम्पल्स को और जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिए इसको बार बार देखिए, बार बार सुनिए। वेलकम टू Nihongomax, मेरा नाम है रवि, चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं, अब सबसे पहले हम उस फॉर्म को सीखेंगे जो N4 और N3 के स्टूडेंट्स भी काफ़ी मुश्किल होती है जिनको इन फॉर्म्स को समझने में, और ये सिखाया जाता है N5 के एंड में, लेकिन तब तक लोग कांजी वगैरह के ऊपर इतना ज़्यादा स्ट्रेस करते हैं कि वो इस चीज़ को भी एक रूल की तरह याद रख लेते हैं कि सासेते का मतलब होता है पॉजिटिव फॉर्म और शिते का शिते तदाकी मास का मतलब होता है कि पोलाइट फॉर्म, लेकिन ये पॉजिटिव पोलाइट क्या होता है ये वो प्रैक्टिस किए बिना आगे चले जाते हैं। और N4 में जब ये आता है या N3 में आता है तो फिर से ये एक प्रॉब्लम का पॉइंट बनता है। तो आज से ही इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल्स के साथ भी दूसरे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, तो आप उनको इनसे मैच कराइए और फिर अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करिए। सबसे पहले हम देखते हैं सासेते। जी हाँ सही बात है, ये पॉजिटिव फॉर्म है, लेकिन पॉजिटिव होती क्या है कि मैंने ये काम किसी और से करवाया है। अब आप ध्यान दीजिए कि सासेते इतादाकी मास है और शिते इतादाकी मास है, तो इसका मीनिंग उल्टा हो जाता है। बस आप इतना सा अगर रूल याद रखेंगे तो आगे जाके कोई भी फॉर्म कहीं पर भी ये लगे। और दूसरी बात कि यही दो फॉर्म्स ज़्यादातर मतलब 80-90% यही दो फॉर्म्स यूज़ होती हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस करने से आपका आधा काम चल जाएगा आधे से ज़्यादा, तो बाकी छोटी छोटी चीज़ें आप अपने आप सीख सकते हैं। तो मेन सबसे पहले सबसे मेन चीज़ सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ पर हम अपना अटैक करते हैं, यानी कि इसको सीखते हैं इसको ख़त्म करते हैं। तो सासेते का मतलब मैंने कोई काम करवाया लेकिन मीनिंग उल्टा हो गया, यानी कि इस टाइम ये काम मैंने कराया। जैसे कि अगले एग्जांपल में मैं आपको ये शो करूंगा, अगले एग्जांपल में आपको ये दिखाऊंगा कि किस तरह से हम इसको ट्रांसलेशन के तौर पे सब्जेक्ट को सीखेंगे, लेकिन पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे सासेते इतादाकी मास है, तो सासेते इतादाकी मास का मतलब है कि ये काम मैंने कराया। अब इसकी ट्रांसलेशन आप अगर पोलाइट फॉर्म डाल के सीखना चाहते हैं कि भाई यू हैव अलाउड मी या यू हैव गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू डू दिस, तो वो सब बेकार का है, क्योंकि जापनीज लैंग्वेज में ऑनरिफ्ट फॉर्म होती है लेकिन उसको ट्रांसलेशन इस तरह से नहीं किया जाता क्योंकि इंग्लिश में इतना पोलाइट नहीं बोलते हैं। तो और उससे पहले शिते इतादाकी मास भी सीख लेते हैं। शिते मतलब ये काम मैंने करा है, लेकिन शिते इतादाकी मास मतलब ये काम अब आपने करा है, तो सब्जेक्ट हो गया उल्टा। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है तो चलिए इनको एग्जाम्पल से सीखते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, काकुनिन सासेते इतादाकी मास। काकुनिन का मतलब होता है चेक एंड कन्फर्म, यानी कि कोई भी फाइल है, कोई भी चीज़ है, कोई भी डेटा है या कोई मैसेज है, कोई मेल है, तो मैं पहले उसको चेक करूँगा, कन्फर्म करूँगा, तो आएगा सासेते इतादाकी मास। अब हमने इसको कर दिया काकुनिन शिते इतादाकी मास है इनका, यानी कि क्या आप इसको चेक कर सकते हैं, क्या आप इसको कन्फर्म कर सकते हैं। तो बस ये दो सेंटेंस ही याद रखिए, हर जगह आप इसको फिट कर सकते हैं। जब भी सासेते इतादाकी मास या शिते इतादाकी मास आए तो आप अपने आप समझ जाइए कि ये काम मैं कर रहा हूँ या ये काम सामने वाला कर रहा है, और ये आपका N3, N4, इनफैक्ट N2 में भी यही फॉर्म्स ज़्यादातर यूज़ होती हैं, इसलिए बार बार दोकाई वगैरह या चोकाई में आएगा। तो ये दो मीनिंग्स को हमेशा याद रखिए, चाहे तो इसी सेंटेंस को एज इट इज याद रख लिए, उससे मैच कराइए, आपका काम आराम से हो जाएगा। चाहे थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 6 सेकेंड लग जाएंगे, लेकिन गलती कभी नहीं होगी, क्योंकि दोकाई में क्या होता है कि जैसे काकुनिन शिते इतादाकी मास से लिखा है या काकुनिन सासेते इतादाकी मास लिखा है, तो आपको काकुनिन तो आपने इतनी मेहनत से याद किया, लेकिन ये सब्जेक्ट आपने उल्टा कर दिया कि यहाँ पर आई आएगा या यू आएगा, तो दोकाई पूरी गलत हो जाती है। तो पहले इस चीज़ पर ध्यान रखिए, बाकी सब चीज़ भूल जाइए कि ये पोलाइट होता है या ऑनरिफिक होता है, सामने वाले के लिए ऑनरिफिक है। अब देखिए इसमें दोनों में ही इतादाकी मास आ रहा है, तो ये बच्चों को लगता है कि सामने वाले ही कर रहा है या आपने ही ये करा है, जबकि दोनों में अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सासेते मोराइमास और शिते मोराइमास, ये भी इतादाकी मास
से ही मिलता जुलता है। हालांकि आप जब सीखेंगे तो आपको ट्रेनर्स सिखाएंगे कि देखिए मोराई मासू से थोड़ा सा कम ऑनरिफिक होता है, इतादाकी मासू ज़्यादा ऑनरिफिक होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आप ये सीन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से होता है जो लेवल होता है। लेकिन मुद्दा क्या है कि सासेते इतादाकी मास और सासेते मोराई मास, इसका ट्रांसलेशन एक ही है इंग्लिश में, यानी कि सब्जेक्ट भी एक ही है और वो जो इससे पीछे वर्ब लगी हुई है या शिते के पीछे वर्ब लगी हुई है वो भी वैसे ही ट्रांसलेट हो रही है। जैसे कि इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं, काकुनिन सासेते मोराइमास और काकुनिन शिते मोराइमास है इनका, तो इसका आप देखेंगे ट्रांसलेशन बिल्कुल ही बराबर है। आई विल चेक एंड कन्फर्म, और इसमें कैन यू प्लीज़ चेक एंड कन्फर्म। तो हमने ये देखा कि जब ट्रांसलेशन होती है, और या फिर कह सकते हैं हिंदी में मीनिंग निकालते हैं, जैसे मान लीजिए इंटरप्रिटेशन आप हिंदी में कर रहे हैं तो क्या मतलब फर्स्ट सेंटेंस का सासेते मोराइमास का हो जाएगा कि इसको मैं चेक करूँगा, और शिते मोराइमास इनका मीनिंग हो जाएगा क्या आप इसको चेक कर सकते हैं। तो हमेशा मैं अब फिर से कहना चाहता हूँ कि ऑनरिफिक क्या है, कौन सा लेवल ज़्यादा है, कौन सा लेवल कम है, किसमें ज़्यादा रिस्पेक्ट है, किसमें कम रिस्पेक्ट है, इस सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए तो आपका ज़िंदगी भर का मतलब जितना भी जापनीज़ का कोर्स है उसमें सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये सॉल्व हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आता है ते मोराउ और ते कुरेरू। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स को देखें तो वाताशिवा ए सान नी होन ओ मोराई माश्ता, और ए सान वा वाताशिनी होन ओ कुरे माश्ता। अब इन दोनों की ट्रांसलेशन देखिए, आई गॉट अ बुक फ्रॉम मिस्टर ए, मिस्टर ए गेव मी अ बुक, तो दोनों का मीनिंग एक ही है लेकिन सब्जेक्ट चेंज हो गया। पहले सेंटेंस में जिसमें हमने मोराई माश्ता यूज़ किया है उसमें आया कि वाताशिवा ए सान नी, तो वाताशिवा यानी कि मैं हूँ सब्जेक्ट, और ए सान नी होन ओ मोराई माश्ता, मैंने ए सान से किताब ली है। लेकिन सेकेंड में देखिए ए सान वा वाताशिनी होन ओ कुरे माश्ता, इसमें सब्जेक्ट जो है वो ए है, तो सिर्फ सब्जेक्ट का डायरेक्शन का डिफरेंस है, बात एक ही हो रही है। अगर आप इन दोनों को देखें, इस पहले सेंटेंस में भी यही है कि मुझे मिस्टर ए से बुक मिली है, और सेकंड सेंटेंस में भी यही है कि मुझे मिस्टर ए ने बुक दी है। जैसे हिंदी में भी ये दो अलग अलग सेंटेंसेज हैं कि बुक मुझे मिली और बुक मैंने उन्होंने मुझे बुक दी, तो पहले सेंटेंस में बुक मुझे उनसे मिली है और सेकेंड में है कि बुक उन्होंने मुझे दी है। तो बस इतना सा फ़र्क है कि मोराइमास का मतलब होता है, अगर आप इंग्लिश में याद रखना चाहते हैं, रिसीव। कुरेमास का भी यही मतलब होता है, लेकिन कुरेमास होता है उन्होंने मुझे दिया है, तो यानी कि रिसीव मैंने ही करा है। और कुछ बच्चे इसको ऐसे याद रखते हैं कि नी और ओ है और मोराइमास आएगा, और उसमें नी है और ओ है तो कुरेमास आएगा। तो देखिए इसमें भी नी और ओ है, उसमें भी नी और ओ है, तो ऐसे मत याद रखिए कभी भी। हमेशा आप ये देखिए कि कुरेमास का मतलब होता है उधर से मेरी तरफ आ रहा है, और मोराइमास का मतलब है मैंने उधर से लिया है। तो डायरेक्शन का बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस ये है कि सब्जेक्ट उसमें जोर, सब्जेक्ट का मतलब है कि जोर मेरे ऊपर दिया जा रहा है मोराई माश्ता में, यानी मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और कुरे माश्ता में मैं बात कर रहा हूँ एहसान की। बस इतना सा फ़र्क है, मीनिंग दोनों का सेम ही है। तो इस तरह से हमने सासेते दाकी मास और मोराई मास को सीखा, और मोराउ और कुरेरू को सीखा। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा हल्का सा हिंट मिल गया होगा। इसको चाहे तो आप दो बार तीन बार देख सकते हैं, जो मैंने चीज़ सिखाई है बस उसी पर स्टिक रही है, और आपका आगे जाने के दो लेवल, तीन लेवल, चार, इवन N2N1 तक का काम इससे चल जाएगा। बाकी सारी चीज़ें स्टूडेंट सीखते हैं वो आप वैसे ही रट्टा मार के सीखिए, लेकिन इसमें अलग तरह का फॉर्मूला जो मैंने आपको ये बताया है बस उसको याद रखिए, आपका काम बड़े आराम से चल जाएगा। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप इन फॉर्म्स को यूज़ करिए, इनकी प्रैक्टिस करिए, और हमेशा मैंने आपको समझाया है कि बोल बोल के प्रैक्टिस करिए, इन एग्जाम्पल्स को भी आप बोल बोल के ही सीखिए। थैंक यू सो मच।